और आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत ज्यादा मुबारक हो। अभी मैं जा रहा हूँ सिस्टर को ईद वगैरह मिलने, और अभी साथ में हमने ले लिया है जी ईमान बतूल को। ईमान बतूल देखो इधर, हेलो बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद ये भी लो, ये भी हेलो, ये भी पकड़ो। चलो जी ये लो जी ईमान की ईदी, और हसीब को देते हैं हम, हसीब बड़ा है इसको बड़े नोट देते हैं, और ये रही जी हसीब की ईदी। अभी जी बच्चों को ईदी हमने दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शुक्रिया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हूँ मैं रेडी, और रेडी होने के बाद अभी जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी ये फटाफट से सेवइयां खाने लगा हूँ, क्योंकि जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ तो कुछ मीठा खा कर जाना चाहिए। तो अभी फटाफट से सेवइयां खाते हैं और फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। अभी एक दो चम्मच लगाता हूँ और फिर चलते हैं जी ईद की नमाज़ पढ़ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार मज़ेदार। अरे अभी इतनी खानी थी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं घर, फिर आपको आके सारी डिटेल्स बताते हैं। अभी बस वीडियो में जा रहा हूँ मस्जिद में, क्योंकि टाइम था 8 बजे का और अभी टाइम हो चुका है जी 8:14। तो बस चलते हैं फटाफट मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं। अभी जा चुका हूँ मस्जिद में, और इधर तो बहुत ज़्यादा रश है बेटा। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ ली और अभी सारे नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हैं। अभी जी ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ मैं घर। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी ईद की नमाज़ पढ़ ली, और आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो अभी जी ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ मैं घर, और अभी आप बताएं जी ड्रेसिंग कैसी है। और ये जो चप्पल पहनी हुई है ना मैंने, इस चप्पल ने कसम से रात को हम तकरीबन कोई 3 बजे तक की चप्पल ढूंढते रहेंगे। ये चप्पल बहुत मुश्किल से मिली है ये ना, क्योंकि शलवार कमीज के साथ दो चीज़ें अच्छी लगती है, एक शूज़ और एक चप्पल। शूज़ मेरे ऑलरेडी 2 से 3 हैं और अच्छी लग रही थी, अब चप्पल। तो मैंने कहा जी कोई स्टाइलिश सी चप्पल लेती है, ये चप्पल ली। बाकी जो सूट वगैरह था वो पहले का सिलाई करने के लिए दे दिया हुआ था, और वो मिल भी गया था पहले ही, मतलब तकरीबन 28 के 27 रमज़ान को सूट मेरे मिल गए थे जितने भी सिलाई होने के लिए दिए थे। अभी मैं जा रहा हूँ जब अपनी पुप्पो के घर ईद वगैरह मिलने, मतलब अभी जाऊँगा पुप्पोलों के घर, हालों के घर, और जो पुप्पोलों के हालों के घर हैं वो विलेज में ही हैं। तो अभी जाएंगे उनके घर और ईद वगैरह मिल के आएंगे। A few moments later. Good morning. तो अभी सो गया हुआ था मैं, ठीक है, जैसे ही आपको मैंने बताया कि पुप्पो लोगों और हालों लोगों के घर गया हुआ था, ईद वगैरह मिली, और ईद मिलने के बाद फिर मैं वापस घर आया, और घर आने के बाद मैं जी सो गया, और अभी उठा हूँ। अभी तकरीबन शाम की को 5 का टाइम है, और अभी उठ के तो फिर से रेडी हुआ। तो अभी दोबारा से रेडी होके तो गया था छत पे फोटोज और वीडियोज वगैरह बनाने के लिए। तो अभी आए हमें नीचे, और नीचे आने के बाद ये भी हम खाएंगे चाट पास्ता बोतल पानी सादा, क्योंकि सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ, मतलब हालों की तरफ या पुप्पोलों की तरफ उधर से कोल्ड ड्रिंक पी, या एक तरफ से चाट खाई, एक तरफ से रसमलाई खाई। तो इसी तरह ना मतलब थोड़ा थोड़ा चेक किया, लेकिन वो तो हजम हो गया, कहाँ वो सुबह के 10 और अभी कहाँ शाम के 5। तो भाई साहब भूख लगती है। तो खैर अभी खाते हैं जी चाट शाट। अभी जी चाट वगैरह खा ली, और अभी मैं जा रहा हूँ सिस्टर को ईद वगैरह मिलने। तो अभी चलते हैं और ईद वगैरह मिल के आते हैं सिस्टर को। और आज की जो ईद थी, आज सारा दिन मतलब सो के गुजारा, शाम टाइम उठा था, उठ के तो फोटोज वगैरह बनाई, और फोटोज बनाने के बाद अभी चाट खाई है, और अभी बाहर अंधेरा हो चुका है। सुबह मतलब नमाज वगैरह पढ़ी थी, नमाज पढ़ने के बाद फिर गया इधर विलेज में जो पुप्पो लोग हैं, हालांकि लोग उनको ईद मिलने, देन फिर घर आया। घर आने के बाद मैं गया सो, फिर उठा, और फिर उठ के तो फोटोज वगैरह बनाई, और अभी जा रहा हूँ मैं सिस्टर को ईद मिलने ईमान बतूल लोगों को। और वो क्योंकि इसका फायदा नहीं है, वो अपने दादा गा रहे हैं ईमान बतूल लोग, तो इसलिए फिर अभी हम उधर जाएंगे और उनको ईद मिल के आएंगे। तो खैर अभी चलते हैं। तो अभी जाने लगा था मैं सिस्टर घर उनको ईद वगैरह मिलने, लेकिन जैसे गाड़ी निकालने लगा तो वैसे देखा मैंने कि मौसम खराब हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा यार
अभी रहने देता हूँ क्योंकि एक टाइम काफ़ी हो गया है और दूसरे नंबर पे वो रास्ता भी सारा मतलब कच्चा ही रास्ता है, तो बारिश होगी तो फिर कीचड़ वगैरह, तो गाड़ी भी गंदी हो जानी है, तो फ़ायदा कोई नहीं। तो ऐसा करूँगा कि सुबह जाऊँगा क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि हम सुबह जाएंगे सिस्टर के घर ईद मिलने। The next day. Good morning. तो अभी सुबह उठा हूँ और उठ के तो अभी कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाया और नहाने के बाद भी कपड़े वगैरह चेंज किए, और आज की ड्रेसिंग कुछ ये है, एक जो कल शलवार की पहनी थी एक वो थी, और एक ये जो आज शलवार की पहनी है ये है। तो अभी जा रहा हूँ सिस्टर के घर ईद वगैरह मिलने। तो कल जाना था, आपको मैंने बताया था कि मौसम ख़राब हो गया था, बारिश रात को हुई है काफ़ी, जिस वजह से फिर मैं रात को नहीं गया। मैंने कहा यार इतनी दूर है रास्ता, और जो रास्ता वो है कच्चा, तो बारिश की वजह से मैंने कहा सुबह जाएंगे, टाइम भी काफ़ी होगा हुआ था रात को, इस वजह से मैंने कहा सुबह जाएंगे। तो खैर अभी हम चलते हैं सिस्टर के घर ईद वगैरह मिल के आते हैं। तो बीच रास्ते से दिन का केक एक ले लिया, और ये रही अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं सिस्टर की तरफ। तो अभी हम जा रहे थे सिस्टर की तरफ, और रास्ते में जी एक ये रोड है वो मेन रोड उधर, ठीक है, उधर से इस तरफ ना ये रोड है इस तरफ, तो इधर जी हमने सोचा चलो पिक्चर्स बनाते हैं। और पिक्चर्स बनाते बनाते अभी शाम शुरू हो गया होना, खैर पिक्चर्स वगैरह थी जो अपनी वो हमने सारी बना ली, अभी चलते हैं सिस्टर की तरफ। ये ना इधर व्यू बहुत कमाल का व्यू आता है, ये पत्थर नहीं साइड पे और ये दरख्त वगैरह ये सारे ऐसे ना आगे तक, तो इधर ना व्यू बड़े कमाल का आता है। ये मैंने देखी हुई थी जगह ना ये वाली, मैंने सोचा हुआ था पहले से इस जगह जाकर पिक्चर्स बनाएंगे। फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं सिस्टर के घर। A few moments later. तो अभी जी बैठे थे सिस्टर की तरफ और अभी जा रहे हैं वापस, बाय बाय। ओके जी बाय बाय। और अभी साथ में हमने ले लिया है जी ईमान बतूल को। ईमान बतूल देखो इधर, हेलो बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो अभी जी हमने साथ में लिया है ईमान बतूल को, और अभी बाहर काफी अंधेरा हो चुका है, और जो सिस्टर का विलेज है ना ये मतलब बॉर्डर पे आई है ना, तो अभी ये इस साइड पे जो ये आपको ये सामने जो रोशनी नज़र आ रही है ना ये जो रोशनी ये सारा इस साइड पे इंडिया है, ये तो पाकिस्तान है ये वाला, लेकिन ये जो येलो रोशनी आपको नज़र आ रही है ना ये सारी इंडिया की लाइट्स हैं। अभी जी हम पहुंच चुके हैं घर, और ईमान बतूल सोगी हुई है पीछे, उठ जाओ उठ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और अच्छे चलो जी। तो कल जी हमने सारी सौगी गुजारी और बच्चों को ईद नहीं दी, मतलब ईमान तो थी उधर अपने दादों के घर, तो ईमान को तो अभी हम लेके आए हैं, और अरहम को भी हमने ईदी नहीं दी, तो हसीफ जी इसको भी ईदी नहीं दी, ये इधर खड़ा है इसको भी दी, अभी इन तीनों को ईदी देंगे, और अभी हाँ जो अपी की छोटी बेटी है उनको मैं ईदी दिया था उधर, तो अभी इनको ईदी देते हैं जी। अरहम ईदी, ये भी पकड़ो अभी जी बच्चों को ईदी हमने दे दी। अभी खाया है खाना, और खाना खाने के बाद जी अभी आप लोगों के सामने, तो ईदी वगैरह जो देनी थी जिसको वो सबको दे दी, वो ईदी भी आज ही दी है कल, तो पहले सुबह नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई डे में, और फिर सारा दिन सोया रहा, फिर शाम को उठ के फिर थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई, और फिर अंधेरा हो गया, तो मतलब कल भी कहीं नहीं गया बाहर, तो आज भी उठ के तो बस सिस्टर की तरफ गया था, और उधर से वापस घर आया। और ये थी जी हमारी ईद डे वन और ईद डे टू की रूटीन, मतलब इस ईद पे कुछ भी नहीं किया इतना खास, कुछ करने को था नहीं, मतलब कल ये था कि नमाज वगैरह पढ़ी तब से ईद वगैरह मिले, तो आज तो वैसे कुछ नहीं था, आज बस सिस्टर की तरफ गया था, उनको ईद वगैरह मिला और आते हुए ईमान बतूल को साथ ले आया। तो खैर जी आज के व्लॉग को हम यही पे खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।